विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी अपनी वाक चातुर्यता के कारण जाने जाते हैं और एक बार फिर से उन्होंने ये साबित कर दिया। उन्होंने राज्यपाल के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान आरएसएस और कांग्रेस की विचारधारा अलग होने के बावजूद लोकतंत्र की मजबूती का आह्वान किया। साथ ही मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच मधुर संबंधों की भी जमकर तारीफ की। आरएसएस की स्थापना उन लोगों ने जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था उनके मन में कल्पना थी कि देश आजाद होकर हम देश को किस तरह का काम निर्माण करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उन सब चीजों का प्रोविजन किया गया है। पर एक दूसरी तरफ 1925 में जिस विचारधारा के लोगों ने इस देश की संरचना करने की कल्पना करने का काम किया था उन्हें आज सत्ता में आने का अवसर मिला है। आप उन लोगों में हैं जिन लोगों का पूरा अनुभव, जो पूरी ट्रेनिंग एक ऐसे समाज की व्यवस्था करने की कल्पना है जिसकी 1925 में लोगों ने कल्पना की थी। आज वही लोग, उस विचारधारा के लोग कॉन्स्टिट्यूशन हेड है, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में हो, चाहे राष्ट्रपति के रूप में हो, चाहे गवर्नर के रूप में हो। तो आज हमारे देश में जिस संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत लोकतंत्र को मजबूत करने का काम हमें करना है, जो हम इवॉल्व कर रहे हैं, वहां हमें हम सबको समझकर ये निश्चित तौर पर सोचना पड़ेगा कि जिस पद की गरिमा पर हम बैठे हुए हैं उसमें भी कलराज जी मिश्रा जैसे व्यक्ति हो जो कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा को बनाए रखते हुए अपने संविधान की समस्ती व्यवस्था के अंतर्गत अपने पद की गरिमा का जो निर्माण कर रहे हैं, तो लोकतंत्र मजबूत होता है और लोकतंत्र निखर कर आ गया। इस देश में इमरजेंसी भी लोगों ने देखा, पर आज इस देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने एनएसएस किया, जो आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने भाग लिया, और एक तरफ जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया और एक ऐसे देश के निर्माण करने की कल्पना की 1925 में, उन्हें आज संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत इस देश के निर्माण करने का काम करना है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं आशा करता हूं कि कलराज जी मिश्रा का जो व्यक्तित्व है और कृतित्व है, जिस जिम्मेदारी का निर्माण कर रहे हैं, वो देश में लोकतंत्र में एक उदाहरण बने और उदाहरण बने जिससे हम कह सकें कि हमारी जो निष्ठा है, हमारी जो ट्रेनिंग है, वो हमारा एक पार्ट है, पर हम जो संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत है हमारी बेस्ट एबिलिटी से उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप काम करेंगे। ये आज हिंदुस्तान देश के अंदर सबसे बड़ी चुनौती। आज आप दोनों का जो सामंजस्य और जिस तरह का व्यवहार है, मैं समझता हूँ देश के सामने उदाहरण है कि राजस्थान का गवर्नर महोदय और राजस्थान के मुख्यमंत्री दोनों के विचारों में अंतर था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के अंतर्गत गवर्नर को काम करना था और गवर्नर ने बेस्ट एबिलिटी के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रोटेक्ट किया, लाखों को प्रोटेक्ट किया, और दोनों का व्यक्तिगत जो संबंध है वो लोकतंत्र के लिए एक उदाहरण है। ये भी एक व्यवस्था करना है।